भृगु ऋषि बहुत परेशान हो गए, गुस्से में आए और आकर सारे ऋषि मुनियों के पास बैठे। ऋषि मुनियों से कहा, ऋषिगण, आज मैं तीनों लोक में गया था, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक में, लेकिन किसी ने भी मेरा सत्कार नहीं किया। सबसे पहले मैं ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी अपनी पूरी दुनिया बनाने में व्यस्त थे, मेरी बात सुनी ही नहीं उन्होंने कि मैं क्या ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं सृष्टि की रक्षा के लिए ही तो गया था, लेकिन नहीं, वो तो जैसे कुछ और ही करना चाहते थे। सरस्वती की बातों पे ध्यान दिया उन्होंने, लेकिन मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उन्हें श्राप दे दिया। सारे ऋषिगण ने कहा, श्राप दे दिया? हाँ, मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी धरती पर कहीं पे भी पूजा नहीं होगी, कोई भी मनुष्य आपके बारे में बात नहीं करेगा। इसके बाद मैं शिवलोक में गया। शिवलोक में गया तो मैंने भगवान शिव को पार्वती के साथ मग्न पाया। क्रोध में मैंने शिव को श्राप दे दिया, आप अजन्मे हो, पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकते, आज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके लिंग की पूजा होगी। क्रोध में मैं वहाँ से निकला और विष्णु लोक पहुँचा। सोचा शायद विष्णु भगवान मेरी बात मानेंगे, लेकिन मैंने देखा विष्णु भगवान भी न जाने कहाँ खोए हुए थे। अब तक मेरा क्रोध बहुत बढ़ चुका था। मैंने विष्णु भगवान को आवाज़ लगाई, विष्णुदेव विष्णुदेव, लेकिन विष्णुदेव ने मेरी बात ना सुनी और मैंने विष्णुदेव की छाती पर लात मार दिया। जैसे ही मैंने विष्णुदेव की छाती पर लात मारा, माता लक्ष्मी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, सृष्टि के पालनकर्ता के ऊपर तुमने लात चलाया, जाओ जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं ब्राह्मणों के पास कभी भी नहीं आऊँगी। मैंने भी उनका श्राप लिया और वहाँ से निकल पड़ा। जैसे ही मैं पलटा, उन्होंने कहा, ब्राह्मण के पास मैं कभी नहीं आऊंगी, भृगु इस बात को कान खोलकर सुन लो, लक्ष्मी हमेशा तुमसे रूठी रहेंगी। मैंने उस श्राप को लिया और वहां से निकल पड़ा। सारे ऋषि मुनि बहुत ही चिंतित हो उठे। लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी हमारे पास नहीं आई तो हवन कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा, किसी भी चीज को, जीवन को चलाने के लिए, पृथ्वी को चलाने के लिए पालनकर्त्री का होना बहुत जरूरी है, ये आप क्या कराए, अब हमें माँ भगवती की आराधना करनी पड़ेगी। और लक्ष्मी, लक्ष्मी अगर एक बार नाराज हो गई तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अब क्या करें, हम क्या करें। ब्राह्मणों के पास सिर्फ पूजा पाठ आचार्य ये सब करके ही धन आता था। लक्ष्मी के श्रापित होने की वजह से हर चीज़ उनसे दूर कर चली गई, ब्राह्मण दलित होने लगे, ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं रहा। और जब कुछ नहीं होता इंसान के पास या ऋषि मुनि के पास, तो इंसान सबसे बड़ा वैरागी हो जाता है, उसके हाथ पैर बंद जाते हैं, उसकी बुद्धि और दिमाग काम करना बंद कर देती है। ऐसे में
ऋषि मुनियों के पास सिर्फ एक ही उपाय रह गया, सरस्वती को मनाना। वो सरस्वती के पास गए। माता, भृगु से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दीजिए, चले हमें लक्ष्मी लोक लेके। माँ सरस्वती ने कहा, देखो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ही वरदान है कि आपकी जीवा पर मेरा वास रहेगा, ज्ञान का भंडार रहेगा आपके पास, लेकिन सिर्फ मेरे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें शक्ति के पास चलना पड़ेगा, हमें शक्ति को भी मनाना पड़ेगा। माँ सरस्वती शक्ति को लेकर गई, शक्ति के पास गई, ऋषि मुनियों को लेकर। माँ जगदम्बा की भी बहुत प्रार्थना करने के बाद माँ जगदम्बा मान गई, बोली ठीक है, ज्ञान से आप श्रम कीजिए, ज्ञान से जब आप श्रम करेंगे तो आपके पास खाने पीने का साधन जुट ही जाएगा, अन्नपूर्णा की कृपा हो ही जाएगी, हम अन्नपूर्णा से कह देंगे। देवी देवताओं ने कहा, माँ सरस्वती आपका वरदान तो मिल चुका है, माँ शक्ति आपकी ताकत से, आपकी बौद्धिक क्षमता से, माँ सरस्वती की कृपा से, उनकी बौद्धिक क्षमता से, शक्ति से, ज्ञान की शक्ति, तन की शक्ति से हम बहुत मेहनत करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन हमें श्राप से मुक्ति दिलाएं, माँ लक्ष्मी के दरबार में चलें, उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और हम सब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। माँ लक्ष्मी के दरबार में जाते हैं, विष्णु भगवान तो माफ़ कर देते हैं क्योंकि वो नाराज़ ही नहीं थे, परम पिता हैं, जगत पिता हैं, जगत के पालनहार, लेकिन माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। माँ सरस्वती विनय करती हैं, लक्ष्मी मान जाओ, ये भी तुम्हारे बच्चे हैं, इनका पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। माँ पार्वती भी समझाती हैं, मैंने भी क्षमा कर दिया है और मैंने इन्हें शरीर की शक्ति दे दी है, आत्मबल की शक्ति दे दी है, सरस्वती ने बुद्धि की शक्ति दे दी है और तुम कुछ ऐसा करो कि धन की शक्ति मिल जाए इन्हें, ताकि ये सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जहाँ आप दोनों की कृपा हो गई वहाँ मेरा होना निश्चित है, यानी ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा और भिक्षा, यही ब्राह्मण का धर्म होगा और इसी रास्ते से मैं आऊँगी। ब्राह्मण धर्म का संशय न करे, अगर ब्राह्मण धर्म का संशय करेगा तो मैं किसी न किसी रूप में वहाँ से निकल जाऊँगी। ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, ठीक है, हम ज्ञान और बुद्धि की ताकत के द्वारा माँ लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे और अपना जीवन, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान जो कुछ भी है उसे करने की कोशिश करेंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे। सारे ऋषि मुनि जो थे भृगु ऋषि के साथ बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माँ, तीनों माएँ मान गई हैं, क्योंकि तीनों माँ हैं, एक ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री है, ये एक सुख समृद्धि ऐश्वर्य की दात्री है और तीसरी भक्तिदायिनी है, शक्तिदायिनी है, ताकत देती है, जिसकी ताकत से इंसान बहुत कुछ करके पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है और धन दौलत अर्जित करता है। बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रसन्न होकर ऋषि मुनि वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, इसकी आगे की कथा मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।